पीएन न्यूज आपके साथ मैं हूं सुष्मिता गौड़। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जनपद शाहजहांपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्लॉक सिंधौली की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर के नवनिर्वाचित प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने अपने खर्चों पर ग्राम में स्थित 62 खंभों पर 50 वाट की सेफल लगवाकर पूरे गांव को रोशनी से नहला दिया है। जैसे ही रात होती है भटपुरा रसूलपुर में गलियों में रोशनी छा जाती है। आप कहीं पर खड़े होकर सुई तक उठा सकते हैं। विकास कार्यों में सदैव अग्रणी रही ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर के नवनिर्वाचित प्रधान अनिल गुप्ता जी बताते हैं कि ग्राम को जल्द ही कैमरों से भी लैस कर देंगे। 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पर 4-4 कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि हर समय भटपुरा रसूलपुर सुरक्षित रह सके। इसके बाद स्वागत गेट और बाकी बचे रास्तों को बनाया जाएगा। ग्राम के हर चबूतरे पर 2 गोल्ड मोहर के पेड़ लगेंगे और मकान मालिक का नाम दरवाजे पर लिखा जाएगा। इसके अलावा कई योजनाएं धरातल पर उतारने की कार्य योजना तैयार कर चुके हैं अनिल गुप्ता जी। उनका सपना है कि शहर से बेहतर गांव को बनाया जा सके जिससे कि गांव के व्यक्ति शहर में रहने ना आए जाएं, उनको हर सुविधा गांव में ही मिले और गांव का विकास हो सके। ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में लाला जमुना प्रसाद यूनानी चिकित्सालय, श्री जेपी मंदिर, जेपी पब्लिक स्कूल, जमुना वाटिका, हनुमंत धाम आदि जैसे अनेक निर्माण पहले ही करा चुके हैं। अभी और अनिल गुप्ता कई जगह पर अभी सीसीटीवी कैमरा लगवाने का फैसला ले चुके हैं। अनिल कुमार गुप्ता की सोच ही सबसे अलग रहती है।